Hey guys, what's up? This is me, SK, and you're watching Resalent. दोस्तों, एक काफी बड़ी अपडेट या फिर न्यूज़ सामने निकल कर आई है कि अभी WWE AEW को कॉपी करने जा रही है। AEW के आइडियाज और मैचेस को WWE कॉपी करने वाली है रेसलमेनिया 37 में। सो हम इस वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर WWE कैसे कॉपी करने जा रही है AEW को। सो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, हमने अभी AEW का पेपर व्यू रिवॉल्यूशन 2021 देखा है, जो कि काफी कमाल का था, और उसके मेन इवेंट में काफी कमाल का मैच देखने को मिला, जो कि एक एक्सप्लोडिंग बारबेड वार डेथ मैच था, जो कि हमें केनी ओमेगा वर्सेस जॉन मॉक्सले के बीच देखने को मिला AEW चैंपियनशिप के लिए, और वो मैच हमें काफी ब्रूटल देखने को मिला था। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो मैच नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग उस मैच को जरूर से जाकर देखना, और उस मैच का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो के बाद उस मैच को जाकर जरूर से देखना। दोस्तों, उस मैच में केनी ओमेगा ने जॉन मॉक्सले को हरा दिया था और अपनी AEW चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया था, और उस मैच में जब भी कोई सुपरस्टार उन रोप्स को छूता था तो हमें वहां पर धमाके देखने को मिलते थे, और हमें इस मैच के बाद भी एक काफी बड़ा धमाका देखने को मिला था, लेकिन वो एक बोझ हो गया था। AEW ने एक काफी बड़ी प्लानिंग की थी उसके लिए, लेकिन हमें वो बोझ देखने को मिला था। और दोस्तों, अभी WWE AEW के इसी प्लान को कॉपी करने जा रही है अपने रेसलमेनिया 37 में। दोस्तों, हमें WWE का सबसे बड़ा पेपर व्यू रेसलमेनिया 37 देखने को मिलने वाला है अप्रैल में, और हमें उसमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस द फिंड का मैच देखने को मिलेगा, जो कि एक गिमिक मैच होने वाला है। और दोस्तों, रूमर्स के अकॉर्डिंग WWE AEW के प्लान्स को कॉपी करने जा रही है। जैसे हमें केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सले के डेथ मैच में वहां पर एक्सप्लोजिव धमाके देखने को मिले थे, वैसा ही अभी WWE प्लान कर रही है रैंडी ओटन और फिंड के मैच के लिए, और ये मैच हमें एक सिनेमैटिक मैच देखने को मिलने वाला है, जैसे कि हमें रेसलमेनिया 36 में अंडरटेकर वर्सेस एजे स्टाइल्स का एक बोनयार्ड मैच देखने को मिला था, वो मैच भी एक सिनेमैटिक मैच था, और हमें रैंडी ओटन वर्सेस फिंड का मैच भी एक सिनेमैटिक मैच देखने को मिलने वाला है। और इस मैच के लिए WWE एक्सप्लोजिव्स का यूज करने वाली है, जैसे कि हमें AEW रिवॉल्यूशन 2021 में जॉन मॉक्सले वर्सेस केनी ओमेगा के मैच में देखने को मिला था, और अभी AEW का आइडिया कॉपी करने जा रही है WWE अपने रेसलमेनिया 37 में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग थिंग है। और अभी वैसे भी रेसलमेनिया 37 के लिए सभी एक्साइटेड है, और रैंडी ओटन और फिंड का मैच हमें काफी कमाल का देखने को मिलने वाला है, और मैं अब इस मैच के लिए काफी एक्साइटेड हो चुका हूं, क्योंकि अभी ये रूमर्स निकल कर आए हैं कि WWE इस मैच में एक्सप्लोजिव्स का यूज करने वाली है। सो दोस्तों, आप लोग कमेंट कर ये जरूर बताना कि आप लोगों को WWE का ये डिसीजन कैसा लगा कि हमें रैंडी ओटन और फिंड के मैच में एक्सप्लोजिव्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, क्या आप लोग ये मानते हैं कि WWE ने AEW के आइडिया को कॉपी किया है या फिर नहीं? तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।